2020 जून ठारु वर्तमान सुधा 11 बृहत प्रकल्प आंशिक एवं पूर्ण कार्यक्षम होइछि। आज विधानसभा रे विभिन्न प्रश्नर एही उत्तर रखिछन्ति शिल्प मंत्री प्रताप देव। सिंगल विंडो क्लियरेंस कमिटी जरिया रे बृहत शिल्प स्थापन पई गत 2 वर्ष मधरे 186 टी शिल्प को अनुमोदन दिया जायछि। 4,44,736.55 कोटी पुंजीनिवेश नै लक्ष्य रखा जायछि। यहा द्वारा 1,65,462 निजुक्ति सुजोग सृष्टि लक्ष्य रखा जायछि। 4,606 कोटी टंकार पुंजीनिवेश रे 6,557 टी निजुक्ति सुजोग सृष्टि होई पारे छि। विधानसभा प्रश्न काल रे एभली उत्तर रखुचंती शिल्प मंत्री प्रताप देव। स्थानीय निजुक्ति क्षेत्र रे शिल्पानुष्ठान गुडीकर पातर अंतर नीति को गृह रे उद्वेग प्रकाश करचंती बीजेडी विधायक अमर प्रसाद शतपथी। आउ तार उत्तर रे विभागीय मंत्री कहिचंती सिंगल विंडो क्लियरेंस कमिटी हेबा परे संपृक्त शिल्पानुष्ठान गुडीक सह एमओयू स्वाक्षर होइथाय। एथिरे स्थानीय निजुक्ति को राज्य सरकार गुरुत्व देउछंती। जदि कोनोसी स्थान रे एहार व्यतिक्रम घटुची निर्दिष्ट अभिजोग आणिले कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय। 2 वर्ष रे राज्य रे सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी माध्यम रे बृहत प्रकल्प स्थापन करिया पाई 186 कोटी प्रस्ताव को आमोदन करा जायछि। या माध्यम रे 4,44,736.55 कोटी टंका पुंजीनिवेश ओ 1,65,462 निजुक्ति सृष्टि करिया आकलन करा जायछि। उपरोक्त अनुमोदित शिल्प प्रस्ताव सहित यार एक स्थिति संपर्क रे तथ्य व्यतीत एक तालिका परिशिष्ट कर संग्रहण करागला। बाचस्पति महोदय माननीय मंत्री को जानवा को चाहूँगी ये जो 186 गोटी प्रस्ताव अनुमोदन करा जाएगी स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमिटी द्वारा से मधर कतोटी कार्यकारी सर है से संपर्क मंत्री महोदय अन्वेषण कर मंत्री को जानवा को चाहूँगी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट लेवल फैसिलिटेशन सेल फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड हाउ टू प्रोसेस इंडस्ट्रियल अप्रूवल। सर आउ गोटे जानवाक चाहूँ स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी एंड हाई लेवल क्लीयरेंस अथॉरिटी भितर प्रभेद कौन अच्छे। बाचस्पति महोदय उपरोक्त 2 वर्ष 2020 जून रु 2022 पर्यंत मध्यम अनुमोदन पाई 186 प्रकल्प मध्य अद्यावधि शिल्पर विभिन्न क्षेत्र में 11 गोटी बृहत प्रकल्प स्थापन हो आंशिक तथा पूर्णक्षम हो पारे। यह मध्यम 4,606 कोटी टकर पुंजीनिवेश 6,557 टी नियुक्त आकलन करा जाएगी।